हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोला जाता है जिसमें सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको बोला जाता है जिनमें या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में। और फिर हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन फैमिली आती है वो होती है एल्केन, एल्केन फैमिली। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एल्केन फैमिली का जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसके ट्वाइस से 2 एक्स्ट्रा हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसके कंपाउंड में, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई केमिकल फॉर्मूला गिवन हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद अगर आपके पास कोई केमिकल फॉर्मूला हो तो उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ किया जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, कि मैंने बोला कि दो कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अच्छा, बात करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड हो तो कौन सी कार्बन फैमिली को बिलोंग करेगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन सी कार्बन फैमिली को बिलोंग करेगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन फैमिली आती है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो जो एल्कीन कार्बन फैमिली होती है इसमें प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन कार्बन फैमिली होती है उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो वन लाइन मतलब वन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दो लाइंस का मतलब डबल बॉन्ड, थ्री लाइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एल्कीन फैमिली के बारे में, कि जिस तरह से हमने एल्केन फैमिली में पढ़ा था कि एल्केन फैमिली में उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है और अगर आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, उसके बाद उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्कीन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। एल्कीन फैमिली का, एल्कीन कार्बन फैमिली का, हाइड्रोकार्बन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। अब n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला CnH2n, इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उसके डबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। एल्केन फैमिली में हमने क्या पढ़ा था, CnH2n+2, कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उसके ट्वाइस से दो ज़्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एल्कीन में क्या होता है, डबल होता है। एल्कीन में हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के डबल होते हैं। अब कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, कि केमिकल फॉर्मूला कौन कौन सा हमारे पास हो सकता था। सबसे पहले अगर n इज इक्वल टू वन होता, अगर n इज इक्वल टू वन होता तो क्या होता, C, और H कितना होता, 2। अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। अगर कार्बन दो हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। उसी तरह से अगर कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अगर कार्बन चार हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ठीक है, CnH2n। और अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, CnH2n
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अपीयर हो रही है, एल्कीन फैमिली में ये कोई कंपाउंड नहीं होता, ये एल्कीन फैमिली को बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे और मुझे भी याद रहे कि मुझे आपको समझाना है। अब फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। नेमिंग करने वाले हम लोग, ठीक है, कि इनका नाम क्या होगा, केमिकल नेम। दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो प्रीफिक्स क्या होता है, एथ होते हैं, ETH। अगर तीन होते हैं तो क्या होता है, प्रॉप। अगर तीन कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो प्रॉप। अगर चार कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ब्यूट। अगर पांच कार्बन एटम प्रेजेंट है तो पेंट। अगर छह कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हेक्स, है ना। ये हमने पिछली क्लास में किया था। उसके बाद जैसे एल्केन में हमने देखा था, एल्केन में क्या देखा था कि लास्ट में क्या लिखा जा रहा है, ANE लिखा जा रहा है, तो हमने वो उसके सफिक्स में लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या, इस बार इन, यहाँ पे क्या, इस बार इन, ENE। तो मैं यहाँ पे सबके एंड में क्या लगा दूंगा, इन। तो ये क्या बन गया, इथीन। ये क्या बन गया, प्रोपीन। ये क्या बन गया, ब्यूटीन। ये पैंटीन। और ये बन गया हेक्सीन। ओके, सिंपल नेमिंग है, कोई यहाँ पे इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि सर पता नहीं क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये इन हमें बता रहा है कि एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, और ये एथ हमें बता रहा है कि इस कार्बन कंपाउंड में दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, कि मतलब ये जो कार्बन हाइड्रोकार्बन है ये दो कार्बन एटम से मिलके बना है। उसी तरह से प्रॉप क्या बताता है कि तीन कार्बन एटम प्रेजेंट है। उसी तरह से ब्यूट क्या बताता है कि चार कार्बन एटम प्रेजेंट है। पैंट क्या बताता है, पांच कार्बन एटम प्रेजेंट है। और हेक्स क्या बताता है, छह कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ओके, चलिए ये हो गया केमिकल नेम। अगला जो मैंने बोला था, क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, दो, तो मैंने यहाँ पे दो कार्बन एटम बना लिए, ठीक है। इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तीन, मैंने यहाँ पे तीन कार्बन एटम बना लिए। उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, चार, मैंने इधर चार कार्बन एटम बना लिए। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था कि एल्कीन फैमिली में, मतलब एल्कीन कार्बन कंपाउंड की फैमिली में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया। उसी तरह से इस कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या बना दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया। और पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इसकी बात करते हैं, चार कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन कैसे कनेक्ट करेंगे। अब हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, अब जरा इसको देखते हैं। इस कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, चार। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, फोर होती है। तो दो बॉन्ड तो इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, अब कितने बॉन्ड बच गए, दो। तो ये दो बॉन्ड यहाँ पे कुछ किसी और के साथ बनाएगा। उसी तरह से इस कार्बन एटम के भी दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए, दो बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, चार में से दो कंप्लीट हुए हैं, दो अभी नहीं बने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन इनको बॉन्ड, मतलब इन बॉन्ड को कंप्लीट कौन करेगा, हाइड्रोजन। कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है, ये बात आई समझ। अब इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, दो। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, चार। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, C2H4 का। और सर केमिकल नेम क्या होता है, इथीन। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इथीन का, ठीक है। आइए एक बार इसको ट्राई करते हैं। तीन कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। अब जरा बॉन्डिंग देखते हैं कितनी अभी भी इनकम्प्लीट है। इस कार्बन एटम के दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए, मतलब दो बॉन्ड अभी बाकी हैं। इस कार्बन एटम के तीन बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3, एक बॉन्ड अभी भी बाकी है, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इस कार्बन एटम का सिर्फ एक बॉन्ड अभी कंप्लीट हुआ है, तीन अभी भी इनकम्प्लीट हैं, तो वो हमें कंप्लीट करने हैं। लेकिन कंप्लीट करेगा कौन, हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन प्लेस कर दिया, ठीक है। अब काउंट करना, कार्बन कितने हैं, तीन। हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, और तीन छः। तो कार्बन तीन, हाइड्रोजन छः। तो ये केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, प्रोपीन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा अब जरा मैं एक बार इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इस कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस वाले कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन प्लेस हो जाएंगे, तो इस कार्बन के भी चार बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा ये मैंने जल्दी जल्दी क्यों किया, जरा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाता, सुनना ध्यान से, आपको अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाता कि ये आपके पास किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है और इसका केमिकल नेम लिखना है। पहले केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, चार, चार कार्बन प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 8। अच्छा अब एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि चार कार्बन प्रेजेंट हैं। अगर चार कार्बन प्रेजेंट हैं तो नेमिंग में प्रीफिक्स क्या आएगा, ब्यूट आएगा। अच्छा उसके बाद एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा, एल्कीन फैमिली को बिलोंग करेगा। और एल्कीन फैमिली की वजह से इसका सफिक्स क्या आ जाएगा, ईन, ई एन ई, तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर में, इसी वजह से मैंने बोला था बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब बनाना है हमारे पास ब्यूटीन का हो गया, अब एक बार पैंटीन और हेक्सीन का ट्राई करते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन पहले बनाता है। तो पैंटीन में पाँच कार्बन होने चाहिए, ये बना दिए, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, बना दिए। उसके बाद इस कार्बन के दो बॉन्ड अभी बाकी हैं, दो बॉन्ड ही पूरे हुए हैं, दो बॉन्ड अभी इनकम्प्लीट हैं, तो दो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे फिट कर दिए। उसके बाद इस कार्बन की तीन वैलेंसी पूरी हुई है, मतलब तीन बॉन्ड बनाए हैं, एक अभी इनकम्प्लीट है, तो एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये वाला कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन तीन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार हो गया, किसका, पैंटीन का। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, हेक्सीन। हेक्सीन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, छः, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है, छः कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। उसके बाद अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, दो यहाँ पे बन गए, दो अभी बाकी हैं, तो दो किसके साथ बना लेगा, ये हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद इसके तीन बॉन्ड बन गए, तो एक बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। फिर ये दो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के भी दो बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं, दो इनकम्प्लीट हैं, तो ये भी क्या करेगा, दो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद ये वाला भी क्या करेगा, दो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। और ये वाला भी क्या करेगा, तीन बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। सबके चार चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए, चाहें तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब इसकी नेमिंग देखते हैं। छः कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो C6 केमिकल फॉर्मूला है ना, और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो H12। नेमिंग की अगर बात आती है तो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होने की वजह से इसके नाम का जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, हेक्स होगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईन बन जाएगा, क्योंकि ये एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी को समझ आया। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कीन फैमिली क्या होती है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उनके केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, उसके बाद उनका केमिकल नेम क्या होता है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। अब जरा देखना कि मैंने इसको क्रॉस क्यों किया था, एक कार्बन प्रेजेंट है और सिर्फ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इसके जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि एल्कीन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन तो मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और तो बॉन्ड बना नहीं सकता, इस वजह से CH2 एल्कीन फैमिली को बिलोंग नहीं करता। इनफैक्ट CH2 कोई कंपाउंड ही नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब एल्कीन फैमिली का सबसे पहला मेंबर कौन है, इथीन, दूसरा मेंबर कौन है, प्रोपीन, तीसरा मेंबर कौन है, ब्यूटीन, उसी तरह से फोर्थ मेंबर और फिफ्थ मेंबर। अब ये मेंबर क्यों बोला मैंने,
बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। अब बच्चे क्या दिमाग लगा के आते हैं कि सर सेकंड मेंबर बोला है तो इसका मतलब दो कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती करके आते हैं वो लोग। सेकंड मेंबर का मतलब है उसका सेकंड मेंबर ये वाला बनेगा, क्या? प्रोपीन। कि उसका सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है? इथीन। दूसरा कंपाउंड कौन सा है? प्रोपीन। जैसे जैसे आप एक कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी फैमिली में मेंबर इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो पहला मेंबर कौन हो गया? इथीन हो गया। दूसरा मेंबर कौन हो गया? प्रोपीन हो गया। सेकंड मेंबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। थर्ड मेंबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तीन कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फर्स्ट मेंबर का मतलब कि उस फैमिली में सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है। सेकंड मेंबर का मतलब कि उस फैमिली में दूसरा कंपाउंड कौन सा है। फोर्थ मेंबर का मतलब कि उस फैमिली में चौथा कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो ये दो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बाकी के आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वैसे ही कुछ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो मैंने बोला कि इथीन और प्रोपीन का मैं आपको कराऊंगा, बाकी के तीन आप खुद से ट्राई करेंगे। तो इथीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C2H4। इसका मतलब ये हुआ कि दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और चार हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ, एक इधर और एक इधर। अब क्या करना है? इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनको ड्रॉ करना है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फोर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फोर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? फोर। तो 1, 2, 3, 4। अच्छा, और कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास कितने प्रेजेंट होते हैं? एक। तो 1, 1, 1 और 1। अब जरा वैलेंसी फुलफिल करते हैं। हाइड्रोजन क्या करेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या करेंगे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, पेयर, ठीक है। कितने? दो। तो पहला पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा ही करेगा, उसके अलावा इस कार्बन के भी दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, क्योंकि कार्बन क्या बना रहा है यहाँ पे? डबल बॉन्ड बना रहा है। उसी तरह से ये भी क्या करेगा कि इन दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका? इथीन का। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। दो नंबर में या एक नंबर में पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके तो तीन तीन सेट आते हैं, मालूम पड़ा कि सेट ए में पूछ लिया इथीन का, सेट बी में पूछ लिया प्रोपीन का, एंड सेट सी में पूछ लिया ब्यूटीन का। बाद में मुझे मत कहना कि सर आपने तो बोला था पेपर एक जैसा नहीं आता, क्वेश्चन एक जैसा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बस केमिकल फॉर्मूला अलग अलग दे देगा, एक में इथीन, एक में प्रोपीन, एक में ब्यूटीन। फिर ये मत कहना सर ब्यूटीन तो हार्ड पड़ता है और ये प्रोपीन ईजी है और इथीन ईजी है। नहीं, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं प्रोपीन की। तो प्रोपीन की अगर बात करें तो तीन कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाता हूँ, है ना। ये क्या हो गया? प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैंने क्या करा, डबल बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बना दिया, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। इस कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी चार इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन तो एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। उसके बाद बनाने हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बनाया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन बनाया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन बनाया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन बनाया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अब जरा वैलेंसी फुलफिल करते हैं। इस हाइड्रोजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा,
इस हाइड्रोजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। इस हाइड्रोजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब क्या है, एक खुद का भी है, एक खुद का भी है, एक दूसरे का शेयर कर लिया। इसने भी क्या करा, एक तो इसका खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिया। इसने भी क्या करा, कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब बात करते हैं कार्बन की। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, इसका मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, ये बन गया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, वहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है। उसके बाद ये कार्बन क्या कर रहा है, इन चारों के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर इधर और एक पेयर इधर। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया किसका, प्रोपीन का, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, प्रोपीन का एग्जाम्पल हो गया, ओके। अच्छा, तो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन का आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ना समझ में आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है, ओके। तो बस आज हमने करा एल्कीन, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एल्काइन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो एल्काइन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो अच्छे से पढ़िएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।